I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. Baby, I don't need to have fun tonight. जो निश्चय तारा भाई निश्चय आप लोगों को याद होगा, आज से दो हफ्ते पहले मैंने तारा भाई जोगिंदर पर एक वीडियो बनाई थी। एक्चुअली वो वीडियो तारा भाई जोगिंदर पे भी नहीं थी, वो वीडियो फेसबुक के कुछ मसीहास पे थी। मैंने उस वीडियो में तारा भाई जोगिंदर के बारे में सिर्फ 3 मिनट बात करी थी गिनती के, लेकिन मुझे पता था उस वीडियो का वो ऑब्वियसली रिप्लाई देगा, जो कि उसने दिया। आ गया। यस भाई, तेरी और कमी बची थी, तूने भी वीडियो बना दी। चल मानता हूँ तू वीडियो में गाली नहीं देता, इसलिए मैं तेरे को आप करके बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट देके बात कर रहा हूँ। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। 12 seconds later, हर परिवार में एक या दो बच्चे मिलेंगे छोटे छोटे, 12 साल के, 15 साल के। बिल्कुल वो लोग आपकी वीडियो देखते हैं, अपनी वीडियो में देखा करो। तुम लोग कैसे माँ बहन की गालियाँ बकते हो वीडियो में, क्या फर्क पड़ेगा उनके ऊपर, क्या सोचेगा वो लोग जिनके 2-2 साल के बच्चे। तुम अपने मम्मी पापा के सामने कोई गाली वाली वीडियो दे सकते हो यूट्यूब की? क्या बोली जा रहा है ये बंदा, वीडियो के स्टार्टिंग में खुद बोलता है कि तूने वीडियो में कोई गाली नहीं दी, इसीलिए मैं तुझे इज्जत देके बात कर रहा हूँ, और 5 मिनट बाद तुम सारे यूट्यूबर्स की वजह से देश खराब हो रहा है, तुम गाली देते हो, बच्चे बिगड़ रहे हैं, देश की तरक्की नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही। तू मेरी वीडियो का रिप्लाई दे रहा है ना, तो छाती पीटते पीटते 4-5 बार यही बोल देता, तेरे जोक्स अनफनी है, तू लेम है वगैरह वगैरह, तो भी मैं मान लेता। गाली तो यार मैंने खुद नहीं दी अपनी वीडियो में कभी। हद है यार, इंस्टाग्राम भी कोई प्लेटफॉर्म है? ये लोग जो इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं फेसबुक वगैरह पे, पता है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं? तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक पॉइंट बोला था कि जिन लोगों को लगता है कि टिकटॉक और ये रील्स वगैरह बनाने में मेहनत लगती है, जोगिंदर उनके लिए भगवान है। तो जोगिंदर का रिप्लाई, तुम तो अपना रोस्ट मार देते हो, फिर तुम ऊपर से बोल देते हो ये छोटी वीडियो बनाने वाले ये गंदगी फैला रहे। किसने गंदगी फैला दी भाई? एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 5 या 10 मिनट भी लगते हैं, सपोज करो ठीक है, ये दिन में 10 वीडियो बनाते हैं, इनका पूरा दिन खत्म। जोगिंदर बेटा कहाँ तक पढ़े हो? 10 बजे तक। 9 बजे स्कूल शुरू हुआ, जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि घंटा में कुछ पढ़ सकते। देखो गाइस, इसीलिए कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए, वरना यही नतीजा होता है। जोगिंदर के अकॉर्डिंग अगर एक टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए 5 मिनट लगते हैं और एक टिकटॉकर ऐसी 10 वीडियोस बनाता है, तो बताओ टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? 36 50 मिनट्स, विच इज नॉट इवन 1 घंटा, पर 1 घंटे में इनका पूरा दिन खत्म। एक्चुअली जोगिंदर के लिए हो भी सकता है, क्योंकि तारा भाई जोगिंदर कोई आम पुरुष थोड़ी ना है, महापुरुष है, महापुरुष। मेरी नजरों में ना एक यूट्यूबर है, रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी दिल से, मैं दिल से सल्यूट उस बंदे को। कौन है वो? जिसने आज तक कभी गाली नहीं दी, ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाया जिससे बैठ के फैमिली ना देख सके। अमित बढ़ाना, हाँ वो भी है, उस भाई का चैनल खोल लेना एक बार, मैंने आज तक नहीं देखी उस भाई की वीडियो, फिर भी। यार ये बंदा के सर के बल गिर गया था क्या बचपन में? इसकी बातों में कोई सेंस ही नहीं है, कह रहा है मेरा फेवरेट यूट्यूबर है जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूँ अमित भड़ाना, पर आज तक मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं देखी। कोई लॉजिक तो बना अपनी बातों में। मैं भी अमित भाई की इज्जत करता हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली में उनकी वीडियोस देखी है, इसकी तरह नहीं मेरे फेवरेट यूट्यूबर है घनश्याम भाई घनचू, क्योंकि वो है और मेरे को पता नहीं है कौन है, पर वो है। अगली बार रोशन मार दियो, समझ गया? ओ कात में चल निकल अब। Whatever, मुझे भाई बंदे की शक्ल देख के पसीना निकल रहा था और कैसे फ्रस्ट्रेट होके भाई ऐसा हो रहा है भाई वैसा हो रहा है, थोड़ा सा ना इस पे तरस आया, तो मैंने क्या करा इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई। मैं चाहता हूँ कि अभी हम ना उसके पोस्ट पे जाएंगे एंड वहाँ पे सारे रेड हार्ट स्पैम कर देंगे, क्योंकि आज तक जब भी उस पे वीडियो बनी है लोगों ने जाके सिर्फ गालियां दिया उसको, तो आई वॉन्ट के एटलीस्ट उसको ये रहे कि ट्रिगर्ड आर्मी जो है वो बहुत प्यारी है, बिकॉज वो तुम हो, तो वहां पे जाने पे जाओ और बस रेड हार्ट स्पैम कर दो। एंड भाई ट्रिगर्ड आर्मी तो है ये, ओपी है भाई, बिल्कुल रेड कर दिया इसको पूरा कमेंट सेक्शन, हार्ट से भर दिया। लेकिन पता नहीं इस भाई टेढ़ी बुद्धि को क्या हुआ, अगले दिन एक और वीडियो डाल दी इसने। हाँ भाई कंगारू, तेरी कमी बची थी बस खाली, तू भी यूट्यूब पे आ गया। जोगिंदर ना स्कूल में वो लॉलीपॉप चूसने वाले उन बच्चों की तरह, जिनको अगर तुम बोल देते ना तू गंदा, तो वो सामने से कहते नहीं तू गंदा। मैंने इसको खच्चर बोल दिया, जिसके रिस्पॉन्स ने अभी मेरे को कंगारू बुला रहा है, वो बात अलग है, मैं लगता भी हूँ काफी कंगारू जैसा, गजब बेइज्जती है, बट कंगारू सर क्यूट दो, स्टिल बेटर देन अ खच्चर। आराम से और अपनी औकात में, समझ गए? औकात बता दूंगा तुम्हें मैं,
आज बवंडर आएगा, बवंडर कान खोल के सुन लियो ट्रिगर इंसान, समझ गया? बवंडर आएगा, बवंडर कान खोल के सुन लिए, और जब इस पे कोई वीडियो बना देता है तो उसके रिप्लाई में इसकी डिक्शनरी में सिर्फ तीन शब्द है, छपरी, बवंडर और औकात। ओ छपरी यूट्यूबर, आ बवंडर आएगा, तेरी औकात क्या है? बस इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता। जोगिंदर तारा भाई जोगिंदर आज बवंडर लेके आएगा, तारा भाई जोगिंदर बवंडर आ गया। अबे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे तो हटता रहता, जा यहाँ भी जाके अगले औकात छपरे औकात गले औकात पागल खाने से आया क्या? औकात औकात तारा भाई जोगिंदर इतने चमाटे खाएगा किसी ने सोची नहीं होगी। जो जोगिंदर तारा भाई जोगिंदर और मम्मी खाने में क्या है? तारा भाई जोगिंदर दाल रोटी नहीं खाएगा, तारा भाई जोगिंदर सिर्फ पिज्जा खाएगा, पिज्जा। जो जोगिंदर तारा भाई जोगिंदर की मम्मी ने पिज्जा नहीं बनाया, अब बवंडर आएगा, बवंडर आएगा, बवंडर तारा भाई जोगिंदर हर जगह से इतनी बेइज्जती कराएगा, इतनी बेइज्जती कराएगा किसी ने सोची नहीं होगी। वो कंगारू अपनी हालत देख लो ऊपर से नीचे तक, रोटी वोटी खाएगा टाइम पे, समझ गया? दूध दात पी लेकर ठीक है, अपने शरीर में कुछ डाल ले अंदर। कंगारू तेरी हड्डी दिखती है तो बोलता है, मुंह के भी हड्डी दिखती है, तू बोलेगा मेरे को? जोगिंदर भाई थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग हेल्थ एंड डाइट टिप्स, बट आई थिंक मैं अपने 92 केजी वेट और 6'2" हाइट के साथ काफी खुश हूँ जीवन में, एंड जस्ट बिकॉज मैं ऐसे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं काफी टिंगू सा हूँगा शायद और बहुत कमजोर सा हूँ, बट नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ओवरवेट हो चुका हूँ लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे। एड जो आप ये हड्डी की बात कर रहे हैं इसको जॉलाइन कहते हैं लोग, इसके लिए एक्चुअली मैं जिम में काफी कसरत करते हैं। #jawlineflex जॉलाइन चेक मेरी आंख देख ला, रात को डर जाएगा सपने में, तू मेरे को बताएगा रोज किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं रोस्ट, समझ गया? जोगिंदर इतना बड़ा रोस्टर है कि कैरी मिनाटी अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट इससे लिखवाता है। जोगिंदर इतना बड़ा रोस्टर है कि साइमन सेज ने रोस्टिंग करना इससे सीखा है। जोगिंदर इतना बड़ा रोस्टर है कि हद बिसी ने वीडियोस डालनी बंद कर दिया। जोगिंदर इतना बड़ा रोस्टर है कि इसको लगता है कि कैमरा के अंदर घुस के बड़ी बड़ी आंखें करके औकात क्या तेरी, परमिशन किससे ली, बवंडर आ जाएगा, ये तीन बातें रिपीट करना इसको रोस्टिंग लगता है। जोगिंदर ये रोस्टिंग नहीं होता, अगर ये रोस्टिंग होती तो मैं दुनिया का नंबर 1 रोस्टर होता और तू दुनिया का सबसे बड़ा गधा होता, और मैं एक साथ में बहुत ज्यादा बोल गया हूं। तू फिर भी गधा ही है। तेरे शरीर में ना इतनी जान नहीं है ठीक है, जितना थारा भाई जोगिंदर के अंदर जान है। तू रोस्ट मारेगा कम से कम शरीर देख के तो बात कर लेता, शरीर देख के तो रोस्ट मार लेता। ओके भाई जोगिंदर, अगली बार किसी पे वीडियो बनाने से पहले उसका हाइट वेट, उसकी जन्म कुंडली, उसकी हाथों की रेखा, एस्ट्रोलॉजी, जोडियक साइन और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब चेक कर लूंगा ठीक है। एनीवेज तो ये वीडियो भी इसने डाल दी, मैंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो बावला है कुछ भी बोलता रहेगा, मैंने इग्नोर किया। अगले दिन भाई ने एक और वीडियो डाल दी, कह रहे कि मैंने इसके स्ट्राइक मार के वीडियो डिलीट करवा दी इसकी। तुम्हारे अंदर कल है, इनकी स्ट्राइक देख लियो भाई, इनकी करतूत जो लोग इनको फॉलो करते हैं। आहा, स्क्रीनशॉट ले लियो जिसने भी स्ट्राइक मारी है ये वाली, समझ गए? भगवान, या तो ये बंदा बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, या फिर सच्ची में इसकी अक्ल वाले माले में कुछ है ही नहीं है। कैप्शन कंप्लेंट दिखा रहा है, तुम्हें पता है कैप्शन कंप्लेंट क्या होती है? वीडियो के नीचे जो सबटाइटल होते हैं ना, अब जैसे मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूं ठीक है, तो मेरी वीडियो के नीचे अगर सबटाइटल्स नहीं होते तो जिनको हिंदी नहीं समझ आती वो लोग क्या करते हैं, एक कंप्लेंट कर सकते हैं यूट्यूब को कि इस वीडियो पे कैप्शंस नहीं है। वो होती है कैप्शन कंप्लेंट, वो स्ट्राइक नहीं होती, वो कुछ भी नहीं होता। ये उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि स्ट्राइक मार दिया मैंने इसके। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। जोगिंदर की वीडियो डिलीट कराई यूट्यूब पे से देख। अबे अंग्रेज एक बार पढ़ तो लेता नीचे क्या लिखा हुआ है। अब ओ सॉरी, उसको पढ़ना नहीं आता होगा ना गाइस, सिर्फ 10 बजे तक ही स्कूल गया था वो। दूसरी एक वीडियो पे दूसरा चैनल पे स्ट्राइक आ गई है, देखो भैया अब आया मजा। तुम्हारी औकात ये है ना, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यूट्यूब मारता है, क्रिएटर नहीं मार सकता।
पढ़ तो लेता यार, फिर वही बात आ जाती है, पढ़ाई लिखाई करी नहीं ना, स्कूल जाया करो बे, ऑनलाइन क्लासेस में जाया करो, अटेंड किया करो। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, आज के बाद जब भी आपके बच्चे पढ़ाई ना करें, उनको जोगिंदर दिखाना, पक्का पढ़ने लग जाएंगे, उनको बोलना बेटा पढ़ ले वरना ऐसा हो जाएगा। और इतने सबके बाद अगले दिन इसने एक और नई वीडियो डाल दी मुझ पे। तूने अपनी औकात दिखा दी ना मेरे को नहीं, तूने अपनी पब्लिक को अपनी औकात दिखाई है। तेरी औकात है क्या मेरे से बोलने की? तेरी औकात अपनी औकात में रहकर तेरे को बोल रहा हूँ। पता नहीं तुमने नोटिस किया है नहीं किया, पर इस बंदे को औकात वर्ड कुछ ज्यादा ही पसंद है। जो 4 रिप्लाई वीडियो इसने मेरे पे बनाई है, मैंने गिनाया इसने 53 times औकात वर्ड बोला है। मेरी औकात, तेरी औकात, औकात क्या है तेरी, सबको औकात दिखा दूंगा तेरी, मेरे औकात सोशल मीडिया पे देख लो, औकात 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 क्या हमें छापरी। तू मेरे को औकात बताएगा? ओ 12वीं फेल, तेरी औकात मेरे को पता है, तू 12th में फेल आया पास था, जाके अपनी वो रिक्लियर कर पहले 12वीं की। तू मेरे को औकात की बात करेगा? क्या औकात है तेरी? 12वीं फेल है तू, ये तेरी औकात है। देखो गाइस मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, लेकिन ये 10 बजे तक पढ़ा हुआ लौंडा मुझे 12वीं फेल बोल रहा है। अबे मेरे जितने नंबर थे तेरे जैसे 2.5 लौंडे पास हो जाते, 3 तो नहीं होते पूरे, 2.5 हो जाते। और जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है ना, वहाँ रहने देता हूँ, वरना इसके और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा कि औकात औकात कंपेयर। कान खोल का बात सुन लिए, इतना तगड़ा बवंडर लाऊंगा रात को सोएगा ना चश्मा तार के, भूकंपी के झटके दिखेगा बेड पे, ये क्या हो रहा है? फिर समझिए थारा भाई जोगिंदर आ गया है, तू मेरे को औकात की बात करेगा? क्या औकात है तेरी? 12 मिनट की वीडियो में ये बंदा सिर्फ औकात औकात औकात, तेरी औकात मेरी औकात। भाई तू है बहुत बड़ा आदमी, मैं हूँ 2 rupee पीपल, मैंने मान लिया मेरी कोई औकात नहीं है, पर ऐसे सोशल मीडिया पर अगर तुम क्रिंज फैलाने वाले काम करोगे तो तुम पे वीडियो बनती रहेगी। इतना तो जलील आमिर सिद्दीकी भी नहीं हुआ था यार, वो भी एक बार चुप हो ही गया था। ये बंदा ये बनाएगा और रिप्लाई बनाएगा, लेकिन देखो गाइस दिस इज माई लास्ट वीडियो ऑन दिस। इसके बाद मुझे भाई इंस्टाग्राम पे या कहीं पे DM करके ये मत बोला ओ देखो इसने आप पे एक और वीडियो बना दिया, क्योंकि ये कुछ नहीं करेगा। उस वीडियो में भी बवंडर ले आऊंगा और जोर जोर से चीखेगा चिल्लाएगा। एनीवेज तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody.